नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हमें लगाना चाहिए ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके, और आज हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने पिछले सालों में रिटर्न कैसा दिया है ताकि हम ये एस्टिमेट कर सकें कि वो आने वाले सालों में किस तरह का रिटर्न देंगे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप देख रहे हैं manoharajna.com, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर पे। तो आपके सामने मैंने खोल दिया है, मनी कंट्रोल की साइट है, और मनी कंट्रोल की साइट पर ये जो म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर है, ये आप जब भी दबाएंगे तो ये जो आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है ये आ जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे फंड हाउस का चयन कर सकते हैं, फंड की कैटेगरी चयन कर सकते हैं, रैंक और रेशो चेक कर सकते हैं, पैरामीटर चेक कर सकते हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर क्या है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब हम सारी बातें एक एक करके देखेंगे कि किस तरह हम बेस्ट म्यूचुअल फंड पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने पिछले सालों में काम कैसे किया है, जिसमें हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या जनवरी से अब तक, या पिछले साल 23 नवंबर से आज तक क्या किया है उन्होंने, 2 साल में क्या किया, 3 साल में, 5 साल में, या जो फंड हाउस 10 साल से चल रहे हैं उनका रिटर्न क्या रहा ओवरऑल। तो सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम चलते हैं हिस्टोरिकल हिस्टोरिक रिटर्न में। यहाँ पर हिस्टोरिक रिटर्न दिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है ये फंड हाउस के नाम लिखे रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जो जो स्कीम है उनका नाम है, ये जो रेटिंग एजेंसी जो इनको रेटिंग देती है वो रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये असेट जो मैनेज करते हैं उनका कैपिटलाइज साइज क्या है, ठीक है, मतलब इनका कुल कितना पैसा है जो ये इस स्कीम के अंतर्गत इसमें इन्होंने लगा रखा है। ये एक हफ्ते का है, एक हफ्ते में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ये यहाँ पर एक महीने का है, ये 3 महीने का है, ये 6 महीने, ये जनवरी से अब तक का है, ये 1 साल, ये 2 साल, और ऐसे ही दोस्तों ये 3 साल का, ये 5 सालों का, और ये 10 सालों का। इसके बाद हम इसमें रिटर्न देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो IIFL का फोकस्ड इक्विटी फंड जो कि ग्रोथ है, ये ग्रोथ का दोस्तों ऐसा होता है, इसका ये मतलब रहता है कि कंपाउंडिंग करता रहता है। आपने जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 500 रुपये हर महीने दिए, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल तक लेगा और बाद में आपको उस पर बोनस या डिविडेंड या जो भी कुछ वो दे आपको निकाल लेना है या आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर रहता है, अगर आप चाहें तो उसको विड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये हर साल की ग्रोथ जो होती है, जैसे मान लीजिए 10% से इसने ग्रोथ करी और आपका कुल पैसा 50,000 रुपये लगा था, तो अब 10% की ग्रोथ से वो पैसा 55,000 हो गया, तब अगले साल वो 55,000 रुपये ही वापस किसी उसमें लग जाएंगे, निवेश कर देंगे किन शेयरों में, और फिर उस पर ग्रोथ आएगी। तो ये कंपाउंडिंग होता है जिनको कि ग्रोथ बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो है IIFL का है, ये 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको, ये 450 करोड़ के आसपास का स्कीम है ये, और एक हफ्ते में इसने करीबन 1% की गिरावट दिखाई है, एक महीने में 3% ऊपर है। 3 महीने में दोस्तों देखिए, अगर आपने 3 महीने पहले इसमें निवेश किया होता तो करीबन 13-14% का इसमें रिटर्न दिख रहा है, वहीं अगर आप 6 महीने पहले करते तो रिटर्न आधा ही दिख रहा है, यानी कि 7%। जनवरी में करते तो 11%, और अगर पिछले साल नवंबर में इस स्कीम में आपने निवेश किया होता तो 30% का रिटर्न आपको इसमें मिल जाता। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति 2 साल पहले निवेश कर बैठा है इसमें तो उसको मिलेगा 7%। 3 साल पहले किसने निवेश किया 14%, और 5 साल पहले इसने 10% के आसपास ग्रोथ दी। अब क्यों, चूँकि ये स्कीम अभी नई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 साल वाला जो कालम है वो खाली है। ऐसे ही हम बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, ये भी ग्रोथ वाला है, यानी कंपाउंडिंग होगा। इसमें मार्केट कैप या जो स्कीम की जो पोजीशन है कितने पैसे का है, ये 1200 करोड़ की स्कीम हो गई है। अब इसने 0.3% पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि ऊपर वाला ने नेगेटिव था। हालांकि इसने यहाँ पॉजिटिव दिया है, पर यहाँ इसके मुकाबले ये नीचे रहा, क्योंकि यहाँ 3% के ऊपर की ग्रोथ है और यहाँ 1% के नीचे की ग्रोथ है। वैसा ही यहाँ मोटा मोटी ठीक है, यहाँ फिर इसने पछाड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाली जो स्कीम है ये लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मान लीजिए आपने जनवरी में अगर निवेश किया होता तो आपको 13% निवेश मिलता, मतलब रिटर्न मिलता, और आपने अगर इसमें किया होता IIFL में तो आपको करीबन 11% के आसपास मिलता। वहीं 6 महीने में इसने 11% रिटर्न दिया है एक्सिस वाले ने, और ऊपर वाले ने 7% दिया है। दोस्तों ऐसा ही करके हम अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है। ये करीबन 9,000 करोड़ के आसपास की स्कीम बन गई है। अब
इसने 1% नेगेटिव करा है अपने रिटर्न को 1 महीने के अंदर, 3 महीने मतलब 1 हफ्ते के अंदर, और 1 महीने में 1% ऊपर है और 3 महीने में 10% ऊपर है। हालांकि ये रैंक वाइज ही जमे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। रैंक वाइज जमे होने के कारण आपको जो इसमें रिटर्न दिखेंगे वो भी रैंक वाइज ही दिखेंगे, पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि 3 महीने में जो ऊपर वाला एक्सिस का जो स्मॉल कैप था उसके मुकाबले इसने रिटर्न कम दिया है, और 6 महीने में भी इसके मुकाबले इसने रिटर्न कम दिया है, साल भर में भी कम है और 6 महीने में भी कम है। ओवरऑल 2 साल अगर हम कंपेयर करें तो जो ब्लू चिप है 2 साल 3 साल इन दोनों कैटेगरी में इसने रिटर्न को पछाड़ दिया है। अब उसके बाद ही ऐसे चलते हैं बीएनपी का जो परिवार है वो भी लार्ज कैप पर फोकस करता है, 800 करोड़ की स्कीम हो गई है ये। अब इसने 1 हफ्ते में तो नेगेटिव करा है लेकिन 1 महीने में फ्लैट ही रहा है, फ्लैट मान लेंगे हम 0.5% का, क्योंकि 2% तो एक्सपेंस रेशो ही होता है तो कोई ग्रोथ नहीं कहलाएगी ये। अब जो 3 महीने का है उसमें 3 महीने में इसने दी है 10% की ग्रोथ, और जो 6 महीने में है वो करीबन 7% के आसपास ग्रोथ है। जनवरी में अगर आप निवेश करते हैं इसमें तो 9% की ग्रोथ मिलती, और साल भर पहले यानी नवंबर में पिछले साल इसमें अपने रिवर्स किया होता तो 19% की ग्रोथ आपको मिल जाती। तो दोस्तों लिस्ट बहुत बड़ी है, हम सारे की नहीं देखेंगे और आपको भी सारों को नहीं देखना है। आपको जो टॉप टॉप में आ रहे हैं टॉप 10 आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको मोटा मोटी उसमें अंदाज़ा हो जाए। अब जैसे मैं एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए कौन सा है, ये बीएनपी है। अब बीएनपी को हम ऐसा करके लाते हैं तो यहाँ ऊपर 10 साल का रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है 10 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है एक और ये डीएसपी और ये जेएम का जो मल्टी कैप है ये 10 साल से ये स्कीम चला रहा है, ठीक है। तो इनका 10 साल का भी रिकॉर्ड है, बाकी इन कंपनियों का ये स्कीम नहीं है, ये 5 साल या उससे नहीं है, तो इनका रिकॉर्ड इसमें नहीं जाएगा। जैसे ही ये भी 10 साल पूरे कर लेंगे इसका रिकॉर्ड भी इसके अंदर चले जाएगा। इन्होंने 12% से दिया है बीएनपी ने, डीएसपी ने 11% के ऊपर दिया है और जेएम ने दिया है 8% के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हिस्टोरी वाली बात हो गई। अब एसआईपी के रिटर्न पे अब जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसी विंडो खुला देती है, ठीक है, ये सेम टू सेम वही चलता है, ठीक है। अब एसआईपी रिटर्न वो होता है दोस्तों जिसे आपने हर महीने डाला है, कोई होता है जो लमसम डाल देते हैं, कोई होता है जो हर महीने कटवाते हैं अपनी ईएमआई जैसा, तो यहाँ पर सेम वही के वही है। और एसआईपी में इतना इन्होंने रिटर्न दिया है, कोई 14% दे रहा है, कोई 13% दे रहा है। तो यहाँ पर हफ्ता महीना और 3 महीना और जनवरी से अब तक का कालम हटा लिया गया है, यहाँ डायरेक्ट आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल और 10 साल का इन्होंने कंपेरिजन करके दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क रेशो जो है वो अभी हमें इसमें देखने को मिलेगा, रिस्क रेशो ये कैसे क्या बताते हैं तो हम देखेंगे दोस्तों एक एक करके। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो रिस्क रेशो है ये कुछ तरह के यहाँ पे रेशो है, जैसे शार्प रेशो है, ये जेंसन अल्फा है, ये ट्रेन्योर है, ये रिस्क डिफाइन करते हैं कि किस क्या ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा या क्या क्या कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी आप गूगल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो इतना लंबा बनाऊंगा तो उसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये वो रेशो है जो ओवरऑल इसका रिस्क बताते हैं, ठीक है। अब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम रहेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ज़्यादा रहेगा तो हमारे फ़ायदेमंद है। हालांकि मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता हूँ और बीटा बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बीटा एक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए इसने इक्विटी में डाला है, ठीक है, इक्विटी में डालना है, और बीटा जिसका एक है तो उसका ये मतलब होता है कि जब निफ्टी अगर मान लीजिए ये निफ्टी से कंपेयर करा रहे हैं अपने आप को, तो निफ्टी जब 1% गिरेगा तो इनका जो म्यूचुअल फंड में जो इनकी जो रिटर्न है वो भी 1% से गिर जाएगा, और यदि निफ्टी 1% से बढ़ेगा तो इनका जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ है वो भी 1% से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों वो होता है कि जो इस स्कीम के अंतर्गत जो इन्होंने स्कीम बनाई है इसमें जो इन्होंने जिस कैप के जिस लार्ज कैप है स्मॉल कैप है मिड कैप है या जो भी है उन स्कीम में जो दूसरी कंपनियां ने म्यूचुअल फंड बना रखा है वो और जो आपको जो बेंचमार्क इंडेक्स मिलता है वो इन दोनों में अंतर कितना है, तो उससे ये 12 ऊपर है या 12 नीचे है, मतलब कि वो अगर 10 है तो ये 12 मतलब ये उससे 12 ऊपर रहेंगे,
और यदि वो 20 है तो ये 12 नीचे रहेंगे। इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन इन्हें विचलन दिखाता है आपको कि जो बेंचमार्क से उससे कितना ऊपर या कितना नीचे होता है। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो में क्या दिखाता है अब हम ये बातें करेंगे। तो देखिए, कोटक इंडिया का जो इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, उसका टर्नओवर रेशो जो है 72% है और इक्विटी होल्डिंग 99.69%। इक्विटी होल्डिंग यानी कि सारा जो पैसा लगा है वो इक्विटी में ही लगा है। तो 55 स्टॉक है इस स्कीम के अंतर्गत, यानी इस जो ये जो कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है इसमें जो निवेश हुआ है वो 55 शेयरों में हुआ है और 0.01% उन्होंने डेट में लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, और इतना 0.30% कैश सभी इनके हाथों में है, यानी कैश होल्ड करके बैठे हैं। SI मिराई का है, उसका टर्नओवर रेशो 70% है और 99.30% इन्होंने इक्विटी में पैसा लगा रखा है। और 63S जो स्टॉक्स हैं यानी कि 63 स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है। इनके पास जो कैश है वो 0.70% कैश है इनके हाथों में। SI मिराई का है, वापस 59% टर्नओवर रेशो, रेटिंग इनकी भी 5 है और इनका जो इक्विटी होल्डिंग है वो 99.25 है और 56% सॉरी माफ़ कीजिएगा 56 यानी कि 56 स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है और इनके पास भी कैश जो है हाथों में वो 0.74% ही है। दोस्तों हमने अब तक देख लिया है कि कितना कितना इनके पास पैसा इस स्कीम में लगा है, टर्नओवर रेशो क्या है इनका, उन्होंने इक्विटी में कितना परसेंट पैसा लगाया है और इक्विटी में कितने कितने शेयर खरीद रखे हैं। तो जैसा इसमें 63 स्टॉक में इसने पैसा लगा रखा है, इसने 30 में लगा रखा है, ठीक है, इसने 21 में लगा रखा है। ऐसे ही आप पूरी लिस्ट में देखेंगे तो आपको कहीं पता चलेगा कि कोई ने 70 से ऊपर लगा रखा है, कोई ने 30 में लगा रखा है, कोई ने 20 में लगा रखा है, पर मोटा मोटी ज़्यादा है। अब जैसे ये देखिए HDFC स्मॉल कैप का जो फंड है 75 स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है, ठीक है, और 8% अभी वो कैश अपने हाथों में लेके बैठे हैं। तो हमने रिस्क कवर कर लिया दोस्तों, पोर्टफोलियो कवर कर लिया, अब हम NAV की डिटेल देख लेते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे NAV की डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड है, 5 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है, करीबन 2600 करोड़ के आसपास का ये स्कीम बन चुका है। और NAV देखिए इसकी है 18.67 रुपये के आसपास, एक दिन में 0.03% का चेंज आया है। लास्ट डेट हुई है 22 नवंबर 2019 को, ठीक है, तो 22 नवंबर 2019 की NAV दिखा रहा है। 52 हफ्तों क्या हाई कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये देखिए 18.82 रुपये का हाई है, 18.67 रुपये चल रहा है, यानी कि 10-12 पैसा ऊपर है। अब इसका लो देखिए दोस्तों, 52 हफ्ते का जो लो है 20 नवंबर, मतलब ये जो है NAV आपको मिल रही है, ये जो NAV है ये वाली, ये है 22 नवंबर की, ठीक है दोस्तों। अब 52 हफ्ते की जो लो इसने लगाई थी, जो कि 10 दिसंबर को लगाई थी पिछले साल, वो इसने लगाई थी 15.98 रुपये, यानी कि 16 रुपये के आसपास। तो अगर आप एक साल पहले इसमें निवेश करते हैं या एक साल पहले से आप निवेश करते आ रहे हैं तो आपको जो पैसे जो यूनिट मिलेगी वो 16 रुपये से अब तक की 18.80 रुपये के आसपास मिलती है। ऐसे ही हम 2-4 का और देखते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो। ये जो स्कीम है सुंदरम रूरल और कंजम्पशन फंड की, इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, 2200 करोड़ के आसपास का फंड मैनेज करती है कंपनी। NAV 41.68 रुपये चल रहा है, एक दिन में 0.06% नेगेटिव चली गई है 22 तारीख को, और 52 हफ्तों का जो हाई है वो 42.56 रुपये है, यानी कि 1 रुपये ऊपर आज अभी की जो लास्ट NAV है उससे 1 रुपये ऊपर है। और जो इसका 52 हफ्तों का लो है वो है 37.42 रुपये के आसपास, यानी कि अब से 3-4 रुपये नीचे, ठीक है। तो दोस्तों ये मान के चलें कि अभी ये NAV जो इसकी है वो हाई के आसपास ही चल रही है। और अब ये देखिए दोस्तों, अब मिराई एसेट का 56 रुपये यानी कि 56.28 रुपये की NAV है। ये कंपनी करीबन 9000 करोड़ का स्कीम अभी मैनेज कर रही है और इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है 56.80 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अभी उसके हाई से 50 पैसे नीचे है और जो इसके लो हैं 47.71 रुपये का है, जो कि 10 दिसंबर के लगा। आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगेगा समझने में, जो इन्होंने लो लगाया आप देख रहे हैं 1 10 दिसंबर,
2, 10 दिसंबर, 3, 10 दिसंबर, 4, 10 दिसंबर, 5, 10 दिसंबर, 6, 10 दिसंबर और 7, 10 दिसंबर। यानी कि मोटा मोटी आपको 7, 8, 10 स्कीम दिख रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अब 10 में से 6 या 7 ने 10 दिसंबर को ही लो लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति यूँ बोलता है कि ये फंड अच्छा है, वो स्कीम अच्छी है, वो स्कीम ख़राब है, तो अगर कोई भी अच्छा होता है या कोई भी ख़राब होता है या कोई दूसरे से अलग होता है, तो दोस्तों फिर लो एक ही दिन क्यों लगता है? लो एक दिन लगने का यह सबसे बड़ा कारण होता है कि जो स्टॉक्स इन्होंने खरीद रखे हैं या तो वो सेम होते हैं या सेम सेक्टर के होते हैं। मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर या एमबीएफसी सेक्टर अभी लो पे काम कर रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एमबीएफसी सेक्टर लो पे काम कर रहा है और इन कंपनियों ने सारे में कुछ ना कुछ पैसा एनबीएफसी में लगा रखा है, अब ये बात अलग है, किसी ने लार्ज कैप में लगाया है, किसी ने मिड कैप में लगाया है, किसी ने स्मॉल कैप में लगाया है, लेकिन लगाया उसी सेक्टर में, तो जब ओवरऑल सेक्टर ही नेगेटिव है तो इनका भी जो एनएवी है वो लो पर ही रहेगा या लो बनाएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसने जो मिराई है और ये भी मिराई है, ये एक्सिस है, ये IIFL है, फिर इन्वेस्को है, और इसके बाद ये केंद्रा है, और इनके नीचे जो ये है ये कोटक, इन्होंने एक ही सेक्टर में, ठीक है, हम यहाँ पर कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं कि लार्ज कैप में लगाया है, स्मॉल कैप में लगाया है या मिड कैप में लगाया है, लेकिन हम इसे मोटा मोटी समझ सकते हैं कि इन्होंने जो इसमें लगाया है वो सेक्टर एक ही होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि सारा इंडेक्स तो गिरा नहीं होगा 10 दिसंबर को, और अगर 10 दिसंबर को पूरा ही इंडेक्स गिरता तो इन सबका जो 52 हफ्ते का लो रहना था वो एक ही रहना था। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे जो चीज़ें समझ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि हर स्कीम को क्लिक करना है, उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, ये आपको देखना नहीं है। आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट भी काम करेंगे तो आपको यहाँ से चीज़ें देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाते हैं तो जो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर जाएंगे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, बेल आइकन दबाइए और रेगुलर वीडियो पाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।